वेलकम टू माई चैनल घरकन्ना राई। मैं राई बोल रही हूँ और आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग फिट एंड फाइन हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए आज एकदम सुबह सुबह 7:30 बजे उठ गई मैं और अभी कितना बज रहा है? अभी देखिए 8:30 बजे है और दिखाए कि दादा निकल गए। आज हम सुबह 7:30 बजे उठ गए थे, दादा निकलेंगे बोल के दादा को कॉफ़ी बना के दे दिया, दादा कॉफ़ी पी लिया। और हम और दादा सुबह सुबह उठ के सियासत पीते हैं तो वो भी देखो हम लेके बैठ गया, दादा पी लिया, हम बैठ गया, हम पी रहे, हो गया बस थोड़ा और बाकी है। दादा कॉफ़ी पी के निकल गया और अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, माया दी आते आते तो 9:30 बजेगा या 9:15 बजेगा। चलिए आगे दिखाता है। और आज मेरी बेटी आने वाली है। देखिए सुबह सुबह उठ के आज हम झाड़ू मार दिया, कॉफ़ी बना दिया, भगवान का बर्तन फर्तन धो के अपना पीछे का गार्डन में पानी दे के गार्डन में फ्लावर उठा के सब करके आ गए आज हम। और दादा निकल गया, अभी थोड़ा बैठ के ये जो सिया सीट दिखाए थोड़ा सा बाकी है ये पी लेंगे और उसके बाद किचन में जाएंगे, देखेंगे आज का क्या नाश्ता होगा, आज का क्या लंच होगा। आज मेरी बेटी आएगी लंच में तो देखते हैं हल्का ही बनाएंगे क्योंकि कल चिकन बनाया था तो आज दाल सब्जी ऐसे ही कुछ बनाएंगे। और वो आ रही है तो दाल सब्जी बनवाना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो नहीं खाएगा फिर ये छोड़ के। तो दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। देखो गाइस मेरी बेटी आई है और घुक के जैसे आए हैं, जैसे 76 का मंडन तक था, आते आते फोन किया कि मेरे को भूख लगे है। और बेटी को खाना फाना दे के हम नहाने चले गए थे, खाना फाना और शेयर नहीं किया क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है, बृहस्पतिवार है, थोड़ा पूजा में मेरा टाइम लगता है। वो जो लक्ष्मी का पाचाली पढ़ते हैं ये सब पढ़ते हैं। और अभी जो हम दिखाए ना वो है चंदन, वो चंदन का डब्बा हम दिखाए, वो ना ऐसे पाउडर चंदन है, ये देखो दिखा दिया। और अभी चंदन हम ये शिव जी को नहला रहे और ये है घी, घी दे देते, घी भी लगा दिया, घी से नहा के, घी और चंदन से नहला के आप देखो शिव जी को हम बिठा दिया। हम रोज़ शिव जी और मेरा बाल गोपाल को नहाते हैं, ये देखो मेरा कन्हा को हम क्या किया ना, इसका कपड़ा फपड़ा छुरा के, ये देखो इसको भी घी और चंदन लगा के इसको नहा के अभी वो न्यू कपड़ा पहना देंगे। न्यू कपड़ा मतलब धोया हुआ कपड़ा, इसका रोज़ ड्रेस हम चेंज करवाते हैं, ये देखो हम पहना रहे हैं। और देखो इसको सब ड्रेस प्रेस पहनाने के बाद इतना स्वीट लगता है ना तो मेरे को एकदम इसको प्यार करने का मन हो गया। तो देखो हम प्यार कर रहे हैं इसको, मेरा लाडला कन्हैया, मेरा लाडो ऐसे लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत सुकून मिलता है ऐसे पूजा पाठ करके, भगवान को सजा के, भगवान का काम करके ये सब करना मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो हम अपना कृष्णा जी को बिठा दिया और अभी सब पोच रहे और इसका जो मोर पंख है ना, मोर पंख हम उसमें निकाल लिया, अब मोर पंख थोड़ा पोच के फिर जगह पे लगा दिया। और मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि थर्सडे करके मैं सारा बर्तन तो मैं धोती हूँ रोज, और सारा चीज़ मतलब ये भगवान के जो मोर पंख है, कपड़ा, ये सिंहासन, सब थोड़ा एक बार पोछा लगाने का भगवान के कपड़ा से। तो चलो हम ये कर भी लिया, अब हम भगवान को फ्लावर से सजा देता है अपना जो है अपना गार्डन का फ्लावर। मेरा तो देखो वाइट टोगोरी होता है और ये हम क्या कर रहे हैं ना चंदन में
लगा लगा के फिर हम टगर सजा दिया और फिर भगवान को हम भोग भी लगा दिया, मतलब हम प्रसाद चढ़ा दिया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम ये करेंगे, वो जो बृहस्पतिवार का लक्ष्मी माँ का जो घट होता है, ये घट हम रेडी कर रहे हैं। अभी ये घट में हम स्वस्तिक ड्रॉ कर दिया ये सिंदूर से, फिर आम पल्लव, आम्रो पल्लव जो होता है, पान पत्ता, केला, ये सब करके सजा के इसको सब में वो ना लगाना, तो आपका सिंदूर लगाना पड़ता है, ये सब करके मैं अब देखो धूप दिया सब दिखा के हम इधर उधर, बाहर भी हमारा लोकनाथ बाबा है, ये सब करके बस अभी हम आरती कर लिया। अब अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा लक्ष्मी का पांचाली पढ़ लिया। और देखो मेरा बेटी तो आ ही गए थे और दामाद भी आ गया, हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो मेरा दामाद आए थे और मेरी बेटी आए थे, ये लोग जा रहे हैं। और बेटी चले गए थे, उसके बाद मेरा फ्रेंड आए थे, ये मेरे घर के पास ही रहते हैं। हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे, बहुत सारा अपना फैमिली का बात, अपना बात, सब हम लोग गप्पे कर रहे थे। बहुत दिन बाद मिले तो हम लोग बहुत सारे गप्पे किए। और आज का व्लॉग हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात को दादा आने के बाद दादा को खाना फाना देना है, खाना गर्म करना है, तब हम और आ नहीं पाएंगे आप लोगों के पास। तो चलिए आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, जय बाबा लोकनाथ।